जाति जनजाति मंच के जो सेक्रेटरी हैं हमारे बीच में केपी सिंह जी हमारे मौजूद हैं और वो इस तरह के रिजर्वेशन की लड़ाई को लड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार से लड़ रहे हैं और उपराज्यपाल जी के यहाँ ये अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इस ज्ञापन के अंदर क्या है ये खुद बताएंगे। केपी सिंह जी, आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं बाबा साहब के जो संविधान के तहत लड़ रहे हैं, और जब संविधान की बात आती है तो आप लोग आंखें नहीं खोलते हैं। आज आपका रिजर्वेशन रोका गया तो आपकी आज आंखें खुली हैं? नहीं, हम समय समय पर सरकार को चेताते रहे हैं, सरकार से मांग करते रहे हैं। हमने इससे पहले भी असलत में जो दिल्ली सरकार है वो मनमाने ढंग से ज़बरदस्ती हाई कोर्ट के निर्णय को ढाल बना करके DOPT जो हाई कोर्ट से भी ऊपर का लेवल है, जो सेंटर केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है, उसकी राय को दरकिनार करते हुए बिना राय दिए अपनी तरफ से ज़बरदस्ती अटपटा नियम लागू करने जा रही है। उस नियम के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है जो 30/11/2017 को दिल्ली सरकार ने एक अटपटा नियम निकाला है डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज ने कि हमें DOPT ने कोई राय नहीं दी है, MHA ने हमें गाइडलाइन नहीं दी है, फिर भी हमें हमारे पास वैकेंसियां खाली हो चुकी हैं, उन्हें भरने के लिए प्रमोशन एडहॉक बेस पर कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एडहॉक बेस पर प्रमोशन को मना कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है जो प्रमोशन करें तो रेगुलर करिए, और रेगुलर प्रमोशन ही इसका निचोड़ है, और उसमें हमारे SC/ST का प्रतिनिधित्व हमें चाहिए। सर, अटपटा आपको क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, जो इस तरीके आपने बोला एक शब्द अटपटा तरीके से ये जल्दीबाजी में ये निर्णय ले रहे हैं, मनमाने ढंग से निर्णय ले रहे हैं कि SC/ST को जो प्रमोशन देना ना पड़े, उनका प्रतिनिधित्व उन्हें ना देना पड़े। हम SC/ST के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हमें प्रमोशन में प्रतिनिधित्व चाहिए, आरक्षण नहीं, प्रतिनिधित्व चाहिए। केपी सिंह जी, अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो आगे योजना आपकी क्या रहेगी? हमारी लड़ाई जारी है, हम हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी बहुत जल्दी अभी हम कैट में भी गए हुए हैं, कैट में हमारी जो एडमिसिबल हो गई है, हमारी अपील जो हमने अपील की है कैट से, प्रेयर की है, वो अपील एडमिसिबल हो गई है। और अगर हमारी यहाँ पे बात नहीं बनती है उपराज्यपाल महोदय के यहाँ पे, तो हम आगे केंद्र सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, DOPT का भी घेराव करेंगे, और हम SC आयोग में भी इसके खिलाफ गए हैं।